बुधवार को गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बातचीत करते हुए गोरखपुर जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने कहा कि क्षेत्रीय सेवा योजन विभाग द्वारा आगामी 9 और 10 जून को बृहद रोजगार मेले का आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रांगण में होगा। इस मेले में तमाम बेरोजगारों को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। जिलाधिकारी ने मेले की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा, मेला लगने वाली है, इस पे 3 मंडल हम लोग कवर कर रहे हैं, गोरखपुर के अलावा बस्ती और आजमगढ़ मंडल इसी जनपद को भी कवर करा रहे हैं। अब तक फिलहाल 11,000 वैकेंसी यानी 11,000 नौकरी के लिए फिलहाल वैकेंसी घोषित हुआ है। करीब तकरीबन 100 कंपनियां उस पर आ जा रहे हैं, उस पर विभिन्न कंपनियां हैं, उस पर कहीं सिक्योरिटी का है, सॉफ्टवेयर का है, और उस पर कपड़ा वाले कंपनी है, जो विभिन्न ट्रेड का है, मल्टीपल कंपनीज है। हम लोग यहाँ फिलहाल यूनिवर्सिटी में जो दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी वहाँ का व्यवस्था किए हैं। 9 तारीख 10 तारीख दो दिन का मेला रहेगा। अभी जो आपके माध्यम से मैं बच्चे का आग्रह करने चाहता हूँ, कितने लोग स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंदर सीख रहे हैं, नहीं तो ITI का है, पॉलिटेक्निक का है, नहीं तो ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट है, पढ़ रहे हैं, कोई अभी नौकरी करने में इच्छुक है, वो कृपया करके वो वेबसाइट में आराम से जो स्किल डेवलपमेंट वेबसाइट में भी प्रोविजन है, उसके बाद सेवा योजन विभाग का भी वेबसाइट है, उस पर जा करके अपने पोर्टल में दर्ज कर लें, ताकि हम लोग को बुलाने में सहूलियत रहेगा। उनका ID कार्ड इत्यादि सारे ऑनलाइन में जनरेट हो जाता है। यदि इनकेस उस पर नहीं बन पाएंगे, उन लोग से निवेदन करता हूँ, हम लोग 9 तारीख सुबह भी रजिस्ट्रेशन के कैंप वहाँ लगाएंगे। वो फोटो, दो फोटोग्राफ अपने बायोडाटा भर के ले आए, उसका हम लोग जो वहाँ एंट्री करा करके, तो फिर वो इंटरव्यू का वॉक इन इंटरव्यू के टाइप से चालू कर देते हैं। ये आपके माध्यम से मैं सारे जनता को और यहाँ जो बच्चे कितने लोग बुनियाद बच्चे स्किल डेवलपमेंट के अंदर ट्रेनिंग ले रहे हैं, और पॉलिटेक्निक ITI डिग्री और जो भी ट्रेड का जो संबंधित लोग अभी सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, उन लोगों को आमंत्रित करता हूँ, ताकि ये अच्छा मौका है। 11,000 नौकरियाँ 2 दिन के अंदर हम लोग उन लोगों का अपॉइंटमेंट आर्डर भी वितरण करेंगे, फिर उन लोग का नौकरी तुरंत लग जाता है। इस पर हम लोग स्थानीय इकाई लोग हैं, जैसे गीड़ा का है, यहाँ जो गोरखपुर में स्थापित कितने इकाई हैं, उन लोगों को भी निमंत्रण किए हैं, इसलिए उम्मीद है यहाँ लोकल प्लेसमेंट में भी काफ़ी स्कोप मिलेगा। इसी बच्चे का हम लोग ज़्यादातर कोशिश करेंगे, गोरखपुर में भी उन लोग को अकोमोडेट करा के नौकरी दिलाने की कोशिश करेंगे। अभी तो इसको वैकेंसी और बढ़ाने के लिए उम्मीद है, हम फिलहाल अभी का वैकेंसी 11,000 है, हम उम्मीद लेके जा रहे हैं 15,000 तक और बढ़ जाएगा, तो और भी बच्चे आ सकते हैं। सर पिछली बार जुड़े हुए हैं, ताकि इस पर जो 3 कैंपस में कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में हम लोग पहले पिछली बार तो एक ही कैंपस में हो रही थी, इस बार तो 3 कैंपस में कर रहे हैं, और भीड़ का भी हम लोग अलग अलग डाइवर्ट कर देंगे, उसका फ्लेक्स बैनर के माध्यम से पहले ही बता देंगे कौन सी कंपनी कहाँ से इंटरव्यू ले रहे हैं उसको। पहले जो बच्चे आते हुए गेट में पता चल जाता है किस दिशा पे जाना है, उस हिसाब से जाएं, वेटिंग एरिया में वेट कर सकते हैं, उसके बाद बुलाने में वो जा सकते हैं, तुरंत अपॉइंटमेंट आर्डर जो मिल सकता है। इस बार हम लोग पहले से व्यवस्था का सही कर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट का ड्यूटी लगेगा, नगर निगम माध्यम से पेयजल का और शौचालय की व्यवस्था रहेगा, उसके अलावा हम लोग को बजट भी मिला है टेंट का, हल्की नाश्ता के लिए व्यवस्था के लिए भी छाया, ताकि मौसम भी गर्मी है, इसलिए एम्बुलेंस का व्यवस्था रहेगा, मेडिकल फैसिलिटीज रहेगा वहाँ, और हल्के नाश्ता का व्यवस्था रहेगा, बाकी बेसिक सुविधा के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। उसके अलावा जो वाहन के लिए भी जगह जगह तो RTO माध्यम से और परिवहन निगम के माध्यम से तय करते हुए, और जनपद से आने वाले बच्चे का टाइमिंग उसी हिसाब से सेट करते हुए वाहन भी चलाएंगे, ताकि आने जाने में उन लोगों को सुविधा मिले। थैंक यू सर, मिल जाएगा आपको। मेल पे भेजने में बहुत लंबा सूची है, 100 कंपनी इसके अंदर के मिल जाएगा। मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, तो बड़े बड़े कंपनी बताए, ये बांट दे रहे हैं, इसके अलावा छोटा छोटा कंपनी बांट दे रहे हैं। सर अब तक कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, ये रजिस्ट्रेशन कितने हो गए भैया? रजिस्ट्रेशन 11,500 11,500 ही हुआ है। देखिए इसलिए रजिस्ट्रेशन बढ़ाना बहुत जरूरी है, नहीं तो मान लीजिए कम से कम 19:2 रेशियो 19:3 रेशियो होगा तब कलेक्शन में ठीक रहेगा। 3 बच्चे के इंटरव्यू करते हैं तब एक बच्चे पसंद करते हैं, मान लीजिए एक ही बच्चे आते हैं फिर उनको भी मन नहीं लगता, चलो मैं छोड़ दूँ इसीलिए। इसलिए पिछले बार तो कितने पोस्ट खुला था उसने के बराबर नहीं भराएंगे, इतने किसी मतलब फिटनेस देखेंगे ना, कैंडिडेट का फिटनेस। कहीं कहीं ये मान लीजिए तो बाहर के कंपनी भी है, यहाँ लड़के ज्यादा लोग तो बाहर जाने को पसंद करते हैं, वो यहाँ तो स्थानीय कंपनी भी बहुत है, उनको ऊपर इच्छा होता, मान लीजिए कोई मान लीजिए सुजुकी ऑटोमोबाइल से अच्छा कंपनी गुजरात का, फ्यूचर बहुत अच्छा है उसका, यदि लड़का कोई ऑटोमोबाइल में मतलब आगे बढ़ने चाहता है तो फिर थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा उनका, तब करियर के सृष्टि पर वो तैयार है तो फिर वो जा सकता है। बेसिकली क्या उनका और एक तरफ एक पोर्टल एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं हम लोग जनपद में, मान लीजिए तो
एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए ताकि वो उनके इच्छा के हिसाब से जो क्वालिफाइड बच्चे हैं वो उनको लेके जाए। एक्चुअली ये लास्ट मोमेंट में थे, हुआ कल ही तो फाइनल हुआ, इसलिए तो हम लोगों के पास समय बहुत कम है, इसलिए तो आपको प्रेस मीट में बुलाया, उसको थोड़ा कवरेज दें यार। तो अब यार फिलहाल अच्छा पिछले साल का www.sevayojan sevayojan.upnic.gov.in इसको यार आप प्रेस मीट में दे देना, करेक्ट करा के सर इस पे भी विज्ञप्ति दे रहे हैं जी। ये बढ़ गया है 9627 वैकेंसी निकली थी बट चयन हुआ है 4772 बच्चे चयन हुए थे, टोटल भागीदारी 15353 बच्चे पार्टिसिपेट किए, 15353 पिछले साल का बता रहा हूँ, जून जुलाई में हुई थी 2017 में, इसपे नौकरी मिला था 4772 बच्चे की नौकरी मिला था पिछले बार, वैकेंसी रहा 9627 उसमें 75 कंपनी आई थी, 75 सर इसी बार एक और बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है उस पर तमाम कंपनियां थी उनकी कंप्लेन की जो बच्चे थे उनका कोई ग्रूमिंग नहीं था कॉलेज से, बच्चे ने क्या था बच्चों की कोई ग्रूमिंग नहीं की गई थी, बच्चे कॉलेज से निकले उनको अपनी बात कहने भी नहीं आ रही थी और एचआर के सामने जाके वो कुछ बोल नहीं पा रहे, तो आपको कुछ ऐसा नेटवर्क में जोड़ना चाहिए कि थोड़ा भी बच्चों को प्रिपेयर किया जाए कि आपको कैसे उसके सामने अपने आप को प्रेजेंट करना है, ये नहीं हो पाता है कौशल विकास के जो बच्चे इस पे आप लोग कौशल विकास वाले बच्चे तो थोड़ा वो ट्रेन होते हैं उनका वहाँ सिखाया जाता है, लेकिन जो राह बच्चे निकलते हैं पॉलिटेक्निक से ITI से और उससे और ये गांव के बच्चे हैं उनको ठीक से अपनी बात कहने नहीं आती, ठीक से एप्लीकेशन बनाने नहीं आता, वो पूछते कुछ है जवाब कुछ देते हैं, तो एक ग्रूमिंग क्लासेस ऐसे बच्चे सही कह रहे हैं इसको एक ऑर्डर जारी कर दें है ना, कहाँ कहाँ ITI ये पॉलिटेक्निक और स्किल डेवलपमेंट मिशन इसी का एक ग्रूमिंग सेशन हो जाए, सही कह रहे हैं सही पॉइंट बता रहे हैं, क्योंकि पिछली बार वो जो थी गुड़गांव में और जो बाहर की कंपनियां थी उनका एचआर इससे लेके बहुत हम बात तो सही है, शहर वाले बच्चे अच्छा प्रसन्न कर देते हैं अंदर कुछ है क्या नहीं, बट वो गाँव वाले बच्चे हुनियर होते हैं प्रसन्न नहीं कर पाते हैं, तो मेरा जनपद को यार यहाँ के एजेंसी कह देता हूँ आसपास जनपद को DM को भी चिट्ठी लिख करके तो पहले आवाज चला दो दिन में कर पाए, एक और चीज थी कि जैसे बच्चे सेविंग नहीं किए दाढ़ी वैसे बड़ी हुई है कुर्ता पजामा पहन के चले आए प्रेजेंटेशन भी मतलब उनका खुद का प्रेजेंटेशन भी कुछ नहीं था, वो लगता ही नहीं था कि वो जो नौकरी मांग रहे हैं, तो ये चीजें जो थोड़ा इम्प्रूव कर ले क्योंकि जो बाहर की कंपनियां आती हैं अगर 2-4 सेशन में ऐसा देखा उन्होंने तो आपको मना कर देंगे वो आएंगे, क्योंकि कोई जबरदस्ती नहीं है कि वो आगे आपके यहाँ समझ जाएंगे, नहीं ये ग्रूमिंग क्लास यार ग्रूमिंग क्लास और प्रेजेंटेशन का जो है ना सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट कहते हैं उसके एक सेशन को रख लो है ना बस बच्चा